बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मुझे अच्छी सी वॉच चाहिए थी, मैंने हर जगह ढूंढी, कहीं तो प्राइस बहुत ज़्यादा थी, कहीं जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मुनासिब कीमत में भी और क्वालिटी भी अच्छी हो ऐसे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी में और अच्छी कीमत में अच्छी वॉच चाहिए तो आपको दुबई ड्रैगन मार्ट में जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छी कीमत में और अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्रैगन मार्ट में पहुँच चुके हैं। ये मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी ना खुला खुला सा होता है और इसमें रश भी बिल्कुल नहीं होता, आप आराम से तसल्ली से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। जैसे आप मॉल में एंटर होंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ लोग नज़र आएंगे जो यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, ये एक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, अगर आप या आपके बच्चे शौकीन हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे घर तो इतने बड़े होते नहीं है बंदा खेले, तो यहाँ पे आके आराम से आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। इस मॉल के बारे में एक बहुत ही अहम मालूमात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, अगर कोई न्यू विज़िटर है उसको अभी तक जॉब नहीं मिली, वो बेचारा बहुत परेशान है, तो उसको चाहिए अपनी सीवी पकड़े और सीधा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाती है, यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे लोगों को सेल के लिए या मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं, तो वो फिर फ्रेश बंदों को भी ना रख लेते हैं, क्योंकि फ्रेश बंदों की एक तो सैलरी बहुत कम होती है तो वो मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं किसी एक शॉप का नाम तो नहीं बता सकती, आप अपनी सीवी पकड़ें और यहाँ पे आके हर शॉप पे अपनी सीवी जमा करवा दें, जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत होगी वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। हम अपनी मेन जगह पे आ गए हैं जो हम लेने के लिए आए थे, ये है जी नेस्टो के अंदर 35 देर में। सबसे पहले यहाँ पर लेडीज़ के लिए मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं और हर कलर में मौजूद हैं। उसके बाद जी 29 देर में, ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सही स्टाइलिश हैं। बाद आ गई है 45 दिरहम की, ये देख लें। अच्छा, आपको जिस तरह की चाहिए ना यहाँ पे मिल जाएगी, आपको बेल्ट वाली चाहिए, आपको चेन वाली चाहिए, हर तरह की आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक तरफ लेडीज़ के लिए रखी थी और एक तरफ जेंट्स के लिए थी, ये 10 और 15 दिरहम की थी, ये भी बहुत अच्छी थी। कि जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 5 दिरहम थी और जो लास्ट प्राइस थी वो 45 थी, 5, 10, 15, 20, 25 थी, जिस रेंज में आपको चाहिए और जिस कलर में चाहिए वो आपको यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएंगी। यहाँ से जी 9 दिरहम की घड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी थी, इनकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट थी। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे आएँ और जितनी मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। खैर, 5 घड़ियाँ तो मैंने भी ले ली थी। यहाँ से जी जेंट्स की घड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ये आप ख़ुद देख सकते हैं 20 दिरहम में ऐसी वॉच आपको कहाँ में मिलेगी और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, मिलना तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल है। यह है जी 35 दिरहम में, इसमें भी हर तरह की जो थी वो मौजूद थी, आपको बेल्ट वाली चाहिए या आपको चेन वाली चाहिए, जिस तरह की चाहिए वो भी आसानी के साथ आपको मिल जाएगी और हर कलर में इसमें भी मौजूद थी। यह है जी सिर्फ 8 दिरहम की, या आप कबायल जाएं या गिफ्ट सेंटर जाएं, वहाँ पे भी स्टार्टिंग प्राइस होती है वो 10 दिरहम होती है, 10 दिरहम से नीचे आपको कोई घड़ी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो सिर्फ 5 दिरहम थी। आप अपने बच्चों को लेके दें, उन्होंने तो बड़ा खुश होना है। सबसे अच्छा जो मुझे ऑप्शन लगा है वो ये वाला था, ओनली 29 में आपको 2 घड़ियाँ मिल रही थी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इसकी लुक ऐसी थी जैसे रोलेक्स की घड़ियाँ नहीं होती बिल्कुल उस तरह की, लेकिन बहुत अच्छी थी। और ये देखें जी, ये आपको सिर्फ 35 दिरहम में आपको 2 ब्रेसलेट भी मिल रहे हैं, 7 घड़ी भी मिल रही है, ये भी किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। घड़ियों पे तो ऑफ़र थी, उसके साथ साथ जो शर्ट्स थी उस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र थी, शर्ट्स पैंट्स सब जो थी, इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 15 दिरहम थी, 15 से लेके 40 दिरहम तक इस पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी। अच्छा, कभी कभी ना नेस्टो में बहुत अच्छी ऑफ़र लगती है, तो आप ज़रूर चेक कर लिया करें कि कब कितनी अच्छी ऑफ़र होती। कल तो खैर वीकेंड था, हमने वीकेंड पर चक्कर लगाया था तो सब कुछ बहुत अच्छा था।
भी ऐसा भी होता है जहाँ पे ऑफ़र लगी होती है वहाँ से शर्ट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब एक दफ़ा भी धोए ना तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन नेस्टो का ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत दफ़ा यहाँ से शर्ट्स ले चुके हैं, आप जितनी दफ़ा भी धोएंगे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा कपड़ा फर्स्ट टाइम था ऐसा ही बाद में भी रहेगा। यहाँ भी जी ये साफ कर रहे थे अपना डांस, बच्चे इनको देख के बड़ा खुश होते हैं, अगर आपके साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके हैं बड़ा खुश होना। उन्होंने शाम को यहाँ पे ये दोनों अपना म्यूज़िक वगैरह लगा के सही डांस वांस भी करते हैं कि भाई बच्चों को ना एंटरटेन करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ब्रांड्स के कपड़े चाहिए, ज़ाहिर उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में ना ये शॉप आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। ये मेरे ख्याल में शायद अभी न्यू ओपन हुई है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी तो ये यहाँ पे नहीं थी, कल मैंने इसे देखा था तो इस पे जो प्राइस थी स्टार्टिंग वो 5 दिरहम से स्टार्ट हो रही थी, बहुत अच्छी थी। सारे खैर यूज़ कपड़े थे लेकिन थे सारे ब्रांड्स के। आपको और आपके बच्चों को मूवी देखने का शौक है तो फिर आप जैगेंट मार्ट में ज़रूर आएँ, यहाँ पे कभी कभी ना बड़ी अच्छी ऑफर्स में आपको मूवी देखने को मिल जाती है और खाने को बड़े अच्छे अच्छे पॉपकॉर्न भी मिल जाते हैं। भी नई मूवी हो तो आपने उसे देखना है तो आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा कोशिश करें कि आप वीकेंड पे ना ही आएँ, क्योंकि वीकेंड पे अच्छा खासा एक तो रश भी होता है, दूसरा ये कि टिकट भी थोड़ा महंगा होता है। वीकेंड के अलावा अगर दूसरे आप दिनों में आएंगे तो उसमें रश भी कम मिलेगा और टिकट भी थोड़ा मुनासिब हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। ड्रैगन मार तो अंदर से बहुत अच्छा ही है लेकिन इसकी बाहर की जो खूबसूरती है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो वगैरह बनानी है, तस्वीरें बनानी है या वैसे ही आपने यहाँ पे घूमना फिरना है तो ये वॉकिंग एरिया आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रात को लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बड़ा खूबसूरती के साथ इन लोगों ने इसका पूरा सेटअप किया होता है। यहाँ पे जी खाने पीने के लिए बड़े अच्छे अच्छे होटल्स मौजूद हैं, अगर आपका कुछ खाने पीने का इरादा हो तो फिर आप यहाँ पे आएँ, साथ साथ वॉक भी करें, खाएं पिए भी खूब इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ जी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।